नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। G20 रो परवर्ती अध्यक्षता करिबो ब्राजिल। दिल्ली मंचरु ब्राजिल को अध्यक्षता हस्तांतर कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी कठु अध्यक्षता ग्रहण करिछंती ब्राजिल राष्ट्रपति। G20 रो गाभेल पद प्रदान करी अध्यक्षता हस्तांतर करिछंती प्रधानमंत्री। एहि अवसर रे ब्राजिल राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा को शुभेच्छा जणाइथिले प्रधानमंत्री। भारत को मध्य कृतज्ञता जणाइथिला ब्राजिल। प्रधान शेष आड़क भर्चुआल अधिवेशन प्रस्ताव देखते समस्त देश एोड़ी आशा व्यक्त कर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम कहते नवेम्बर 2023 पर्यंत भारत पाखे G20 अध्यक्षता रही। भारत सबुबले विश्वर प्रगति ध्यान दे ब्राजिल रे आयोजित G20 सम्मेलन में विश्वर हित अनेक प्रसंग में चर्चा हो आशा व्यक्त कर प्रधानमंत्री। मैं ब्राजिल के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको केवल एपटे दिल्ली में अनुष्ठित द्विदिनिया शिखर सम्मेलन G20 सम्मेलन शेष होम्मेलन शेष होगा नहीं घोषणा कर प्रधानमंत्री। यह अवसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते दुई दिन में विश्वर तमाम नेता अनेक परामर्श देवास विचार विमर्श करनेक प्रस्ताव भी आसी विश्वर प्रगति पर प्रस्ताव उपर ध्यान दिजार आवश्यकता रही। प्रधानमंत्री कहते गत काली आम समस्ते वन आर्थ वन फैमिली सेसन में आलोचना करते G20 वन आर्थ वन फैमिली भविष्य नहीं आशावादी। ग्लोबल विलेज नुहे ग्लोबल फैमिली स्थान पाई आलोचन एक भविष्य जरूरी सम्मेलन द्वितीय दिन अर्थात आज वन फ्यूचर अर्थात गोटे भविष्य उपर मानस मंथन करते विश्व नेता। समापन उत्सव में मोदी कहते द्रुत गति में बदलुवा विश्वर पर स्थिरता आसवा जरूरी समस्त देश एक हो विश्व काम करवा जरूरी। G20 सम्मेलन शेष होगा जनक पर जड़े विश्व नेता दिल्ली छाड़ी दिल्ली छाड़ी आमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन भियतनामा गस्तर रहिबे बिडेन। और यूरोप के बीच इकोनॉमी जैसा आप सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन दो दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस एक्सलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोडमैप सुखद हो। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ समरेन्द्र भाषा आम सहित जोड़ी होती श्रीजुक्त भाषा स्वागत आपको। G20 सम्मेलन आज शेष होती महाकुंभ में आप देखिले जो भाव में 19 राष्ट्र मुख्य सामिल है प्रतिनिधि सामिल है गोटे प्रकार सफल हो सारी प्रधानमंत्री कहते आपको कमी लगे। देखो G20 सम्मेलन में बहुत किसी अभिज्ञता भारत हासिल कला तार अध्यक्षता विषय कहीं वर्तमान आम देखु जमी जेकोसी गोटे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए तार जो डिक्लेरेशन हुए डिक्लेरेशन तो प्रथम दिन कभी भी आगत हो नए कि भारत गोटे नुआ कथा करके देखा जो डिक्लेरेशन फर्म को हिं एलाउ कर औपचारिक भाव में आजिकाल समर्थन होता तेरे प्रथम कथा हूँ स्वागत भाषण बेले ही मोदी जो गोटे बड़ अचिवमेंट करते जो आम कह साउथ आफ्रिकन यूनियन को सामिल करवा जो परमानेंट मेंबर हिसाब से यह प्रथम कथ द्वितीय कथ हूँ 3F जो आप फोकस दिगला जमी फूड फ्यूएल और फर्टिलाइजर आउ पुणी आप बायोफ्यूएल अलायंस गुरुत्व दिया तेज आम देखी G7 बैठक में जो सबू
कंट्री माने थिले पश्चिम देश माने तांकर जो दबदबा थिला जी ट्वेंटी रे सही देश माने अच्छा मेंबरशिप बट तांकर कौनसी प्रकार सेमिति एग्रेसन से दबदबा नथिला सेमाने सीधासलख भाव में समर्थन करथिले जदि आम घोषणा पत्र को वर्तमान भाव में आलोचना करवा सैंतीस पेजर घोषणा पत्र में जो चारि तारिखर युक्रेन को युक्रेन युद्ध विषय उल्लेख करा किंतु रशियार नाम मध्ये कोठि निया जाय नाही ए क्षेत्र में जदि जी सेवेन र घोषणा पत्र को आम देखा से रशिया विषय में अनेक कथा लेखाई और रशिया को सीधा सड़क भाव में विड्र कराऊ सप्रेसन प्रेस करु जी ट्वेंटी रही ना कारण भारत सब समाधान शांतिर बाट खोजे और शांतिर भाव में अति श्रृंखलार सहित अति गर्वर सहित जी ट्वेंटी को समापन कर जो ब्राजिल को अध्यक्षता जो चार्ज दे नरेन्द्र मोदी और ब्राजिल जो भव्य आयोजन को देख प्रकार सन्देह पड़ी जे आगामी वर्ष जो अध्यक्षता करमी से मिट करें तेणु ये जो आयोजन था ये जो एजेंडा था जो स्ट्रेटेजी था जो कूटनीति था मुझे सबुरी यार आज्ञा जो थीम कथा कहबा जदि आमे वन फैमिली एवं जो भली भाबरे प्रधानमंत्री कहले जो सब लक्ष्य नहीं कि जी ट्वेंटी आयोजन करा जायतिला ता सफल होई सारिछि एवं जेतेबेले एही जी ट्वेंटी सफल हेला ब्राजिल को जेतेबेले हस्तांतर कले प्रधानमंत्री जो वन अर्थ वन फैमिली कथा कहंतु ता सहित आमे जो वन फ्यूचर अर्थात समस्त एक होई किभली आगो को पढिबा एवं केवल जे भारत केवल जे जी ट्वेंटी नुहे पूरा विश्व को एकाठी करी आगो को पढिबा सेटा गुटे भलो वार्ता एवं से क्षेत्र भारत तो गौरव किंतु अन्यान्य देश मानकर स्वतंत्र स्थान सामिल कर ऑब्वियसली जो आम कहवा बर्तमान देखो डेवलपिंग कंट्री मानक अध्यक्षता दिखाई इंडोनेशिया थिला इंडोनेशिया बर्तमान भारत अध्यक्षता नेला और भारत पर बर्तमान आम देखा ब्राजिल जो अध्यक्षता नेला समस्त डेवलपिंग कंट्री और सेने अध्यक्षता नवा अर्थ हो बर्तमान जो डेवलपिंग कंट्री मैंने ही इनवल्वमेंट हे और भितर गोटे प्रकार जो आम कह बिजनेस स्ट्रेटेजी भितर गोटे नुआ रणनीति करार सुजोग मिल जो डिप्रेशन था जो संकट विश्वास संकट कथा जोटा का नरेन्द्र मोदी कहते से विषय में देखा जाए छोट छोट राष्ट्र मैंने गोटे प्रकार विश्वास विभाजन हो पार्थ तेनाली फोकस देवाई बर्तमान जो डेवलपिंग कंट्री को अध्यक्षता दि जाऊँ बर्तमान जी ट्वेंटी गोटे बहुत बड़ सम्मेलन भारत आयोजन कला एते बड़ सम्मेलन को सक्सेसफुल भाव में जो तीनो आम कह पर्याय था जो वन फैमिली वन नेशन एंड वन फ्यूचर आजिकार जो वन फ्यूचर उपर डिस्कशन होता वास्तविक आगामी दिन में भविष्य भारत कार्यपंथ निर्धारण कर विश्व मित्र भाव में विश्व गुरु तो आम कहानी विश्व मित्र भाव में भारत जो स्ट्रेटेजी रही समस्त कंट्री अति सफलतार सहित अति चतुरतार सहित शांतिप्रिय भाव में समापन उत्सव होती कौन सन्देह ना श्रीजुत बस आउ गोटे कथ जो सम्मेलन मुख्य उद्देश्य क्या कहु अर्थात शांति स्थिरता बजाय रखा आर्थिक भित्तिमि विकास त्वरावित करवा शांति कथ कह देखते पुटिन जी पुटिन जी ट्वेंटी वन सम्मेलन में जोग देते अरेस्ट करा से जो जदि शांति बजाय रखा गोटे मूल उद्देश्य रोचे बर्तमान जो भाई भाव में अस्थिरता देखा देती रूसिया तरफ युक्रेन सहित जो युद्ध चली हे तो यही सम्मेलन पर कि जो जी ट्वेंटी देश मैंने नेतृत्व ने कि जो अस्थिरता रही जो हिंसा देखा हे तो आम आशा कर कमी पारे ऑब्वियसली कारण जो आम देखु आम अध्यक्षतार समय सीमा नवंबर पर्यंत रही नरेंद्र मोदी जो गोटे नया कथा डिक्लेरेशन कले नवंबर एंड रे गोटे वर्चुअल मीट करें और यूएनएससी उपर डिक्लेरेशन डिस्कशन हम और जो डिक्लेरेशन रही जो दिल्ली डिक्लेरेशन रिव्यू हम रिव्यू हमार अर्थ कौन त्रुटि रही जाती कौन कथ रही परवर्त समय नवंबर में आम रिव्यू करूँ तेणु ये अप्सन देखो समस्त कंट्री मानक दि जाए जे यू कैन गो थ्रू द पीस जो कथा आम कौ जो डेफिसीट जो शॉर्ट ऑफ पीस विभिन्न कंट्री मानक रही भितर जो आम कह गोटे भय रही गोटे प्रकार युद्धर वातावरण सब विभिन्न जगार वारफ्रंट खोली चली समय शांति प्रस्ताव जरूरी शांति आने शांति हेले ही डेवलपमेंट हम यह ही जी ट्वेंटी जो आम कह शिखर सम्मेलन गोटे प्रकार मूल आज्ञा आगे क्या देखो तो शक्ति खाद्य संकट बर्तमान विश्व में बेस बढ़ी चलती कारण जनसंख्या वृद्धि होती गोटे प्रमुख विषय होता है चैलेंज जिते पाली हे तो पदक्षेप निपे निहाती अमेरिका जो ग्रीन सिग्नल देती आप देखते बायोफ्यूएल अलायंस उपर ब्राजिल अमेरिका और भारत प्रथम आरंभ कले एगारोट कंट्री धीरे धीरे सामिल होते हैं और मेंबरशिप नहीं बर्तमान ड्राइव करने एडवांस करने ग्रीन एनर्जी को आनी पृथ्वी विभिन्न देश में डेवलप करने प्रपोजाल चली जो थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे समस्ते कम करेंगे और यहां द्वारा गोटे विकसित राष्ट्र मैंने इमर्जिंग कंट्री मैंने लाभ पाए यह हूँ प्रथम कथा खाद्य संकट कथा जमी आप कहते जमी आम इकोनोमिक करिडर कथ को देखा जमी आम देखु भारत वर्तमान अनेक राष्ट्र मान सहित विभिन्न डील उपर साइन करने को जाए कौन हम गोटे प्रकार नुआ प्लाटफर्म खोल आसब और अनेक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हवा द्वारा भारत अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हम।
ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାସା ଆମ ସହିତ।